ईडी के अधिकारियों से मारपीट के आरोपों की जांच के लिए आखिरकार सीबीआई ने शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर इस समय की, कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद बंगाल की सीआईडी ने शेख को सीबीआई की कस्टडी में सौंप दिया है। सीबीआई की टीम कोलकाता में पुलिस मुख्यालय से शेख को अपनी कस्टडी में लेकर निकल गई है। उससे पहले सीआईडी ने शाहजहां शेख का मेडिकल करवाया और फिर उसे सीबीआई को सौंपा। इससे पहले शाहजहां शेख पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। बंगाल सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया था। बंगाल सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पूरा मामला रखते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन बेंच ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने अपील कीजिए, वही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल कहा था शाहजहां शेख मामले में राज्य पुलिस की जांच पक्षपातपूर्ण है और राज्य पुलिस ने आरोपी को बचाने के लिए जांच में देरी करने का हर संभव प्रयास किया है। सौमित सेन गुप्ता जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौमित, फाइनली बंगाल पुलिस को सीबीआई को सौंपना पड़ा शाहजहां शेख को, और मुझे लगता है कि ये कोर्ट की फटकार है जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उनकी सभा में जो महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री भी बताए थे कि एक के बाद एक हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पश्चिम बंगाल सरकार को झटका मिल रहा है। और आखिरकार हमें देखने को मिला कि जिस मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीआईडी पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और कल मना कर दिया हैंड ओवर करने में, आखिरकार झटके मिलने के बाद, कोर्ट से भी झटके मिलने के बाद उन्हें आखिरकार सीबीआई को हैंडओवर करना ही पड़ा। अब से कुछ ही मिनट पहले ही हैंडओवर कर दिया गया है शाहजहां शेख को, और कल शाहजहां, जो सूत्रों से पता चल रहा है कि कल शाहजहां शेख को सीबीआई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर उसे सीबीआई कस्टडी में लिया जाएगा। कि सीबीआई कस्टडी लेगी शाहजहां शेख की, क्योंकि जांच को आगे बढ़ाना है, पूछताछ करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सौमित आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस आसानी से सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार नहीं हुई। पुलिस तब तैयार हुई जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज फिर फटकार लगाते हुए शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। क्योंकि ईडी ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को न सौंपे जाने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। बंगाल पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। बंगाल पुलिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका सुनवाई के लिए पेंडिंग है। हाईकोर्ट में भी बंगाल सरकार ने सुनवाई एक दिन टालने की अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार की दलील नहीं मानी। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को कल के आदेश पर अमल करते हुए शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने को कहा। सीबीआई के शाहजहां शेख की कस्टडी लेने के बाद अब माना जा रहा है कि ईडी भी उसकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। ईडी ने शाहजहां शेख और दूसरे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी, और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी ने आरोपियों की चल अचल संपत्ति कुर्क की है, जिसकी कुल कीमत 12,78,00,000 रुपए है। इसमें 14 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसमें सर्बेरिया, संदेश खाली और कोलकाता में कृषि भूमि, मछली पालन के लिए जमीन और भवन भी शामिल हैं। साथ ही 2 बैंक अकाउंट भी कुर्क किए गए हैं। ईडी शाहजहां शेख के खिलाफ पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण मामले में जाँच कर रही है। शाहजहां शेख के मामले में बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपने से इनकार करने पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ममता सरकार शाहजहां शेख को बचाना चाहती है। कि एक क्रिमिनल को बचाने के लिए ममता बनर्जी, जिसके अंडर होम मिनिस्ट्री है हमारे मुख्यमंत्री जी, वो क्यों ऐसे इतनी डेस्परेट है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाया। बंगाल के पुलिस बल के बिना मदद केंद्रीय जांच एजेंसी को कामयाबी कितने हद तक मिलेगी, इसमें बड़ा मेरा खुद को बड़ा शंका है। शाहजहां शेख को पहले गिरफ्तार नहीं करना और गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को नहीं सौंपना, इन सब वजहों से ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बारासात में एक रैली की, जहां संदेश खाली हिंसा का शिकार हुई कुछ महिलाओं ने उनसे मुलाकात की। इन महिलाओं ने शाहजहां शेख की जुल्म की दास्तान बताई तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं और अब किसी माँ बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी और संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के बीच की मुलाकात नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में हुई जनसभा के बाद हुई, और पीएम मोदी ने एक पिता की तरह धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी दिखा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बंगाल में जो हुआ वो क्रांति का रूप लेगा और टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त कर देगा।
चूंकि संदेश खाली में महिलाओं पर यौन हिंसा के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के बाहुबली नेता रहे शाहजहां शेख पर लगे, इसलिए पीएम मोदी ने ममता सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार अपने नेता को बचा रही है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि यही बहन बेटियां टीएमसी के अत्याचार को खत्म करने के लिए निकल चुकी हैं। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जो पार्टी तुष्टीकरण करके एक धर्म के लोगों का वोट चाहती हो उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। तुष्टीकरण और तोला बाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। चूंकि ममता बनर्जी डबल एम फॉर्मूला यानी मुस्लिम और महिला वोटों के सहारे बंगाल की सत्ता में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे के बीच उन्होंने एक बड़ा दांव चल दिया और संदेश खाली मामले में घिरी ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल की आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, जबकि आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सैलरी भी 750 रुपए बढ़ा दी। ये वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी। सीएम ममता बनर्जी ने ये घोषणा तब की जब पीएम मोदी बंगाल दौरे पर रहे और उन्होंने कोलकाता में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के डबल एम फॉर्मूले में से एक महिला वोटरों पर सेंधमारी करने की कोशिश की और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में संदेश खाली घटना के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और बंगाल की महिलाओं को अपना परिवार बताया। और आज जानते जाए मोदी परिवार को खाए इन गोर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डाले। मेरे देश की ये बहने जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई है, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार। Zee News.